हाँ, तो हम लोग ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब तौसीफ ने हमको ये तो बता दिया, तौसीफ टेक्निकल ने, कि भाई डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, डीएनएस क्या होता है और एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। अभी अगर आपको डोमेन कंट्रोलर नहीं समझ में आया, तो डोमेन कंट्रोलर जो सर्वर में हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे ना, उसको डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। ये तो एकदम क्लियर हो गया। डीएनएस पता चल गया, नेम टू आईपी रिजोल्व करता है और आईपी टू नेम रिजोल्व करता है, वाइस वर्सा जो भी है। नाउ अभी हमको डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना है, तो हमने सेटअप क्या खड़ा किया है, हमने एक डीसी की नाम का एक मशीन बनाया है जो कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आप चेक कर लिए। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि ना टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको स्लो करना है तो यूट्यूब है या आप ओडी में भी देख रहे हो तो उसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप देख रहे हो तो ये 8 GB रैम के साथ में विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पे मेरा विंडोज 10 का क्लाइंट मशीन है जिसको हम लोग डोमेन में डालेंगे। तो टास्क क्या है, पहले इसको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, डीएनएस इंस्टॉल होगा, फिर ये मशीन जो है ये मशीन को हम लोग डोमेन में डालेंगे। ये मशीन को डोमेन में डालने के बाद एक यूज़र बनाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी में, और वो यूज़र से PC01 पे लॉगिन करेंगे। ये हमारा अभी का टास्क रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी जब 2012 में इंस्टॉल होता था, तो जब इंस्टॉल होता था वो डीसी प्रोमो के कमांड के थ्रू इंस्टॉल, 2012 से पहले। लेकिन अभी क्या है, 2012 के बाद है ना ये चीज़ निकाल दिया, 2008 या 2012 के बाद है ना ये चीज़ निकाल दी। आपको डायरेक्टली बोलता है कि आप रोल्स एंड में से रोल्स इंस्टॉल कर लो, यानी सर्वर मैनेजर में जाओ और रोल इंस्टॉल करो। तो आप बोलेंगे सर्वर मैनेजर कहाँ है, तो सर्वर मैनेजर यहाँ पे भी स्टार्ट पे नज़र आ जाता है, इसको क्लिक कर लेने का या तो सर्च में टाइप कर लेने का। अभी हमको ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। सो आप सोच रहे हो कि ये तौसीफ कर रहा है कि अहमद कर रहा है। तौसीफ भाई ने हमको बता दिया अहमद भाई को, तो अहमद भाई आपको समझा रहे हैं, राइट, ठीक है। तौसीफ भाई ने हमको सिखा दिया। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, हमको कुछ नहीं समझा तो हम तौसीफ भाई से पूछ लेंगे, हमारे बाजू में ही बैठे, आपको नजर नहीं आ रहे, इनविजिबल है तौसीफ भाई, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस पर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला गेम है ये। और ये बोलते हैं रिस्टार्ट करना है, बोला रिस्टार्ट कर दो अगर करना हो तो, और इंस्टॉल कर दो। अभी इंस्टॉलेशन के लिए टाइम लेगा, तो ये जब तक इंस्टॉलेशन खत्म होता है मैं या पॉज कर दूंगा या मैं खत्म होने के बाद ही आपको वीडियो दिखाऊंगा, यानी कट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, अब ये खत्म होने तक वेट करते हैं। सो ये देखिए रोल इंस्टॉल हो गया। अब रोल इंस्टॉल होने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक येलो मार्क आया है नोटिफिकेशन का, इट सेज कि अभी आपका रोल इंस्टॉल हो गया है, अब इसको आप प्रमोट करो डोमेन कंट्रोलर में, प्रमोशन मिल गया इसको, ठीक है। तो आप डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करो। अब क्या बोल रहा है, एड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग डोमेन। वो कब करेंगे, जब हमारा ऑलरेडी एक है ना डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल है और हम लोग को एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐड करना हो, तभी अपने लिए ये काम करना है। लेकिन हमको तो नया फॉरेस्ट ऐड करना है, मतलब नया डोमेन ऐड करना, नया एक्टिव डायरेक्टरी बनाना है। तो अब ये बोलते हैं नाम दो एक्टिव डायरेक्टरी, जैसा हमारे कंपनी का नाम रहता है google.com, या हमारी वेबसाइट बनाते हैं कुछ भी, हम कोई भी .com के साथ में, जैसे कोई नंबर आप ये देख लो reliance.com, avipro.com, वैसे ही हमारे को डोमेन नाम दो पूछ रहा है। तो अभी हमारी कंपनी कौन सी है, हमारी कंपनी का नाम है SHS, क्या है हम लोग क्या बनाते हैं, स्टोरी टेक्निकल है, तो STH.com डाल देते, ये मेरा डोमेन नेम हो गया STH.com। यानी जब भी मेरा PC01 डोमेन ज्वाइन होगा तो वो STH.com में ज्वाइन होगा, STH.com में ज्वाइन होगा तो उसका नाम होगा PC01.STH.com। यानी अभी जैसे आपका नाम है आपके फादर के नेम के साथ में जुड़ के उनके सरनेम के साथ में जुड़ता है, जैसे मेरा नाम है अहमद और मेरे डैडी का नाम है फारूक, तो अहमद फारूक गाजियानी मेरा सरनेम है, तो उसी तरह सेम STH.फारूक गाजियानी के साथ अगर अहमद जुड़ता है तो अहमद फारूक गाजियानी होता है। सेम वे STH.com मेरा रूट डोमेन नेम है, मतलब मेरे लिए रूट मेरे डैड है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या, मैंने डोमेन नेम ऐड कर दिया। और याद रखिए ये जो डोमेन नेम आप, ये जो फॉरेस्ट नेम जो आप ऐड करते हैं ना, ये यूनिक होना चाहिए, और ये ना इसका है ना आप है ना डोमेन भी बाय करके रखिए, क्योंकि अगर आपने ये डोमेन दे दिया बाई चांस आपने अपने ऑफिस में बना रहे, ये ध्यान रखना कि ये जो आपका ऑफिस का डोमेन नेम है ना, आपने बाहर GoDaddy से अपने लिए डोमेन परचेस करके रखा है। अगर आपने कभी ADA बना लिया और बाय चांस आपने वो डोमेन परचेस नहीं किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बहुत सारे लोग है ना STH.local, ये डॉट लोकल वाले डोमेन भी बनाते हैं। तो डॉट लोकल वाले डोमेन क्या होते हैं कि डॉट लोकल वाले यू कैन नॉट रजिस्टर आउटसाइड द इंटरनेट,
तो बहुत लोग की मर्जी है, जैसा बनाना चाहे बनाते, लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप डॉट कॉम के साथ में डोमेन बना रहे हो sca.com, तो उस डोमेन को आप बाहर से भी खरीद ले, आप ओन कर ले, नहीं तो बाहर को पता, किसी को पता चल जाएगा कि आप ये डोमेन ओन कर, ये आपने ऐसा डोमेन कंट्रोलर बनाया है कंपनी में, तो वो डोमेन वो खरीद लेगा और आपसे ज़्यादा चार्ज भी ले सकता है फ्यूचर में वो डोमेन वापस खरीदने के। आप अभी ये देखिए, ये विजार्ड पे अटका है, अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, हाँ अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं दे रहा है, घूम रहा है तो थोड़ा वेट कर रहा है, तो जब तक ये ऑप्शन नहीं आता यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट फंक्शन लेवल और डोमेन फंक्शन लेवल इसका 2016 रहेगा 2000, अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमको एक्टिव डायरेक्टरी फिलहाल समझना है, एकदम डिटेल में नहीं घुसना है। अभी डीएनएस सर्वर भी बनाएगा, ये देखो ये डीएनएस सर्वर बनाएगा यानी इसका डीएनएस रोल इंस्टॉल करेगा, अभी ग्लोबल कैटलॉग रहेगा, अभी ग्लोबल कैटलॉग क्या ये भी बाद में सोचो, अभी रीड ओनली डोमेन कंट्रोल तो हम नहीं बना रहे। अब ये पूछ रहे टाइप द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर और पासवर्ड, अब ये डीएसआरएम पासवर्ड मांग रहा है, ये कब काम आता है, समझो कभी आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया और आपको रिस्टोर करना है ये डोमेन कंट्रोलर, तो आप डीएसआरएम मोड में लॉगिन करोगे, तो डीएसआरएम मोड में जब लॉगिन करोगे तो डीएसआरएम मोड का पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। अब ये कब तक आता है, जब तक आता है वेट करते, तब तक मैं आपका वीडियो पॉज कर लेता हूँ। ये देखिए ये पूछने लगा पासवर्ड, तो हम पासवर्ड ऐसा देंगे जो हमको याद रहे, ये पासवर्ड कभी आप कंपनी में इंस्टॉल करें तो ये पासवर्ड जो डाल रहे ना वो किधर सेफ साइड पे, सेफ जगह पे रखी है, क्योंकि ये रिस्टोर करने के टाइम पे या डीएसआरएम मोड में लॉगिन करने के टाइम पे ये पासवर्ड लगेगा, तो मेक श्योर की कि आपको ये पासवर्ड कहीं सेफ जगह इंस्टॉल करिए। अब मैं क्या पासवर्ड रखा वो तो नहीं बताऊंगा ना आपको, वैसे भी भले ये वो है मतलब टेस्ट डोमेन है, फिर भी पासवर्ड बताने का आदत रखने का नहीं, ठीक है। ये नेक्स्ट किया मैंने, अब ये डीएनएस ऑप्शन पूछ रहा है, डीएनएस डेलीगेशन क्रिएट करना है क्या, अब मतलब डीएनएस डेलीगेशन मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी डीएनएस डोमेन हो उसके नीचे कोई सब डोमेन बनाना है, अभी अपने को कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है फिलहाल। अभी ये नेट बायोस नेम पूछेगा, अब मेरा डोमेन क्या बन रहा है, एचटीएस स्टोरी टेक्निकल है HTS.com, वो बोलता है कि आपस में जो डोमेन के बंदे हैं ना उसको HTS नाम से भी पिंग कर सके, .com डालने की जरूरत नहीं है, तो नेट बायोस नेम हो गया, ठीक है, शॉर्ट नेम बोल सकते हो, ये सब चीज नहीं, आपको खाली कंसेप्ट समझाना मेरा मेन मकसद है। अब क्या होता है, अब ये क्या पूछ रहा है कि NTDS एक्टिव डायरेक्टरी अगर बनेगा, SQL भी रहता है उसका भी डेटाबेस रहता है राइट, वैसे एक्टिव डायरेक्टरी में आप यूजर बनाओगे कंप्यूटर बनाओगे उसका भी बैकएंड में डेटाबेस बनता है, तो वो डेटाबेस का नाम रहता है NTDS.dit, तो कहाँ रखेगा वो डेटाबेस फोल्डर, इधर रखेगा, लॉग्स फोल्डर NTDS के लॉग्स जो रहेंगे वो इधर रखेगा, और सिसवॉल सारा कॉन्फिग्रेशन फाइल रहता है एक्टिव डायरेक्टरी का, इतना समझिए, वो हम सी ड्राइव में, लेकिन कंपनी में सब लोग डी ड्राइव में रखते हैं या कोई सेफ ड्राइव में रखते हैं क्योंकि सी ड्राइव ओएस ड्राइव कभी करप्ट भी हो सकता है राइट। नेक्स्ट पीछे ये बोल रहा है तुमने ये कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट किया एक बार देख लो, नेक्स्ट करो, ये बहुत बोरिंग है थोड़ा, और मैं इसमें कॉमेडी भी क्या करूँ बताओ आप, मैं खुद ही कॉमेडी बन रहा हूँ इधर, समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे मत समझो। ये प्री रिक्विजिट वेरीफाई कर रहा है कि मेरे पास डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने के लिए प्री रिक्विजिट सब सही है क्या, थोड़ा सा वक्त लेगा, जब तक ये वेरीफाई करता है आपको रुकना है तो रुक सकते हो या स्किप कर सकते हो, थोड़ा आगे जा सकते हो, वीडियो को बढ़ा सकते हो, या मैं ऑलरेडी कट ही करके दे दूंगा आपको। अभी आप देखेंगे तो ये प्री रिक्विजिट देख लिया है, वार्निंग दिया है, बाकी सब पास सक्सेसफुली। ये क्या बोल रहा है कि भाई जो देखो यहाँ पे देखो कंप्यूटर पे जो आईपी दिया गया है ना वो है ना स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं है भाई, स्टैटिक तो होगा नहीं क्योंकि मैंने अजोर का वीएम बनाया तो डायनामिक रहेगा, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। तो बोलते हैं डेलीगेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड क्योंकि ये पहला ही डीएनएस सर्वर है तो इसके नीचे डेलीगेशन क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है समझो, उसके नीचे किसको डेलीगेट करूँगा, नेक्स्ट इंस्टॉल करो। अब ये इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा और ये सीधा रिबूट हो जाएगा, तो ये इंस्टॉल होने देते और रिबूट होने देते इसको, ये इंस्टॉल हो रहा है, डीएनएस इंस्टॉल हो गया, अभी डायरेक्टरी पार्टीशन क्रिएट हो रहे, सो इट विल टेक सम टाइम एंड देन इट विल रिबूट, तो हम रिबूट के बाद ही मिलते हैं आपको। अभी ओके ओके नाउ इट इज डन गेटिंग डन 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 डन, चलो फिर भी मैं रिबूट के बाद ही मिलता हूँ आपको, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे।
ये देखिए रिबूट हो रहा है, मैं क्लोज करूंगा, ये क्लोज करूंगा, सो इट विल गेट, आई थिंक सो इट विल बी रिबूटेड। देखिए रिबूट हो गया, सो ये टाइम लेता है, तो थोड़ा धीरज रखना और थोड़ा संतोष भी रखना, मतलब मजाक कर रहा था, इतना टेंशन मत लेना। तो रिबूट होने के बाद मिलता हूँ, लॉगिन करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस देखो मैं लॉगिन हो रहा हूँ, लॉगिन मैंने जो किया ना वही सेम एडमिन अकाउंट से लॉगिन किया जो मेरा पहले लोकल जब एक्टिव डायरेक्टरी नहीं बना था, वही एडमिन अकाउंट से मैंने लॉगिन किया तब जब मैं यूज़ करता था लोकल अकाउंट। अब वो है ना लोकल अकाउंट अभी डोमेन अकाउंट बन गया, उसको सारी प्रिविलेजेस मिल गई, अब वो डोमेन एडमिन अकाउंट बन गया, यानी हाईएस्ट प्रिविलेज वाला अकाउंट बन गया। अब मैं उससे लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, सो वी हैव लॉग्ड इन टू डोमेन कंट्रोलर। अब आप सोच रहे होंगे कि डोमेन कंट्रोलर तो लॉग्ड इन हो गया, लेकिन कौन से अकाउंट से लॉग इन किए? तो जब मशीन जब बना था, मतलब जब वर्क ग्रुप में था, जब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन नहीं बना था, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोल नहीं बना था, तब जो अकाउंट यूज हो रहा था वही अकाउंट से मैंने लॉग इन किया, तभी वो लोकल अकाउंट कहलाता था। अब वो डोमेन अकाउंट हो गया और उसको डोमेन प्रिविलेजेस मिल गए, हाईएस्ट प्रिविलेजेस मिल गई। अब मैं खाली सिस्टम में जाके चेक करता हूँ, पहले जो वर्क ग्रुप दिखा रहा था हमको, अब दिखा रहा है कि ये मशीन जो है hth.com का डोमेन है, और ये कंप्यूटर नेम देखो क्या हो गया, vmmoom.dc01@hth.com। तो ये डोमेन कंट्रोलर बन चुका है। उसके लिए अब डोमेन कंट्रोलर बन गया तो क्या होगा, अभी हम देख सकते हैं कि dsa.msc, जब मैं मारूंगा तो एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल खुलेगा। अब बोलेंगे यार पब्लिकली कि dsa.msc क्या है, इसका कमांड है, अगर आपको डायरेक्ट खोलना है तो आप डायरेक्टली एक्टिव डायरेक्टरी सर्च कर सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी वाई इज नॉट गिविंग, या तो फिर आप है ना सर्वर मैनेजर में जा सकते हो और टूल्स में जाके है ना देखो मिलेगा आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ये सब नया इंस्टॉल हो जाता है, राइट। तो अभी मैंने एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूजर्स एंड कंप्यूटर्स खोला है कंसोल, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे को जो यूजर्स बनाने हैं वो बना सकता हूँ। अभी देखिए ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्ट इन कंप्यूटर्स ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होने के बाद आता है, लेकिन जब हम ऑफिस में रहते हैं ना, तो ऑफिस जब आप कॉरपोरेट में रहते हैं तो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब OU ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है, आप यहाँ पे जाके एक नया OU बनाएंगे, यानी फोल्डर बनाएंगे, नया फोल्डर बनाएंगे OU। अब मेरी कौन सी ऑफिस है, एक्चुअली मेरी ऑफिस मुंबई में है, तो मैं इसको लिखूंगा मुंबई में, मुंबई का मैंने ये दिखाया, अब मुंबई का OU बनाया। अब मुंबई में मैं क्या बनाऊंगा कि मुंबई में मेरे पास क्या रहेंगे, एक OU रहेगा यूजर्स का, ठीक है, और एक OU रहेगा कंप्यूटर्स का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ये फोल्डर है खाली। अब मैं मेक श्योर करूंगा कि इधर मेरे यूजर है, इधर मेरे कंप्यूटर है, बस ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी बन गया। अब मुझे देखना है कि इसका नाम के साथ IP रिजल्ट होता है कि ये नाम के साथ क्या रिजल्ट होता है hth.com के साथ। जब मैं NS लुकअप करता हूँ, NS लुकअप जो है DNS रिजॉल्व करने के लिए, अब यहाँ तो अननोन दिख रहा है, अब मैं hth.com डालता हूँ, क्या देता है, देखिए ये मशीन का IP देता है, मतलब रिजॉल्व हो रहा है ना DNS, लेकिन मैंने तो कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं, तो कैसे रिजॉल्व हो रहा है? तो पता क्या चलता है कि जब आप डोमेन कंट्रोल बनाते हैं, डोमेन कंट्रोल और DNS सर्वर इंस्टॉल होता है ना बैकग्राउंड में, वो अपने लिए रिकॉर्ड बना लेता है। तो रिकॉर्ड कहाँ बनता है वो देखने के लिए हमको सर्वर मैनेजर में अगेन जाना है, टूल्स में जाना है और DNS ढूंढना है। यहाँ पे कहीं DNS दिख रहा है, ओ मिल गया DNS, तो देखिए ये सर्वर बन गया है DNS, ठीक है। अब यहाँ पे ना फॉरवर्ड लुकअप जोन, मतलब नेम टू IP फॉरवर्ड लुकअप जोन में होता है hth.com, ये देखिए इसके साथ नाम बन गया है, तो ये नेम टू IP रिजॉल्व हो रहा है। अब इसका IP ये सही में है क्या, ये IP कॉन्फ़िग देख के पता चल रहा है, राइट, 10.0.0.4 है और उसका नेम के अगेंस्ट ये रिजॉल्व हो रहा है, मतलब ये अभी डोमेन कंट्रोलर बन गया और अब ये DNS सर्वर भी बन गया है। ये क्या कर सकता है, ये क्वेरीज लोगों की रिजॉल्व कर सकता है, मतलब नेम टू IP कन्वर्जन कर सकता है, कैसे करता है वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया, मेरा डोमेन कंट्रोलर रेडी हो गया, अब मेरा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर रेडी हो गया, यानी अब मैं यहाँ पे है ना मशीन को, यानी कोई भी मशीन्स को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तौसिफ भाई फिर आ गए हैं समझाने हमको, तौसिफ टेक्निकल फिर आ गए। देखिए अभी हमारा जो है ये डोमेन कंट्रोलर रेडी हो गया,
ये डोमेन कंट्रोलर का नाम है hth.com, राइट। इसका आईपी है 10.0.0.4, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर का नेम और आईपी। इसको FQD, ये मेरा डोमेन का नेम है हा? इसका FQDN क्या है? FQDN बोलेंगे तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, कंप्यूटर नेम, इसका जो कंप्यूटर नेम होगा DC का विथ hth.com मेरा फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ, इसको है ना इत्मीनान से समझते तो घाई नहीं करते, यहाँ पे जाके देखूँ तो ये मेरा फुल्ली क्वालिफाइड, ये देख रहा फुल कंप्यूटर नेम, इसको मैं फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम बोलूंगा और इसको बोलूंगा डोमेन नेम। तो मेरा डोमेन नेम hth.com और फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम इज vmmoomdc01.hth.com। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमको स्टेप करना है, ये जो डीसी है, अब मेरा क्लाइंट है जो है PC01। अब PC01 को मुझे है ना इस डोमेन में hth.com में जोड़ना है। तो hth.com में मेरे पास अभी फिलहाल एक डीसी अवेलेबल है, मैं चाहूँ तो एक नया डीसी भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, राइट, जिसको मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोल बोलूंगा। लेकिन अभी वो नहीं करना है, हमको PC01 को डोमेन में डालना है। तो चलो स्टार्ट करते, PC01 को डोमेन में डालते। अब जाते PC01 की तरफ, सबसे पहले देखते हैं कि PC01 से डोमेन कंट्रोलर पिंग होता है क्या। मैं PowerShell प्रॉम्प्ट खोल रहा हूँ, PowerShell से भी आप, इट्स लाइक अ कमांड प्रॉम्प्ट। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको जरा इजीली समझ में आए। पिंग 10.0.0.0.4, राइट। तो ये पिंग हो रहा है, राइट। अब ये पिंग भी हो रहा है और रिप्लाई भी मिल रहा है, तो मतलब हमारा डोमेन कंट्रोल रीचेबल है। अब NS लुकअप करता हूँ, यहाँ पे NS लुकअप, ये तो पता नहीं रहा है, ठीक है, कुछ भलता ही कुछ बता रहा है। मैं यहाँ पे देखता हूँ hth.com, पता है तेरे को क्या है, कुछ देखो कुछ भी एड्रेस दे रहा है, मतलब इंटरनेट पे किसी ने hth.com ये नाम से रजिस्टर करके रखा हुआ। तो अब मैं कैसे, अब मेरे को इसको डोमेन में डालना है तो कैसे डालूं। तो सबसे पहले सिस्टम में जाऊंगा, ट्रबल शूटिंग भी पता चलेगी हमको, डिस्प्ले यहां से नहीं पता चल रहा है, विंडोज 10 में थोड़ा सा लफड़ा रहता है। तो अपन जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर में डोमेन में डालने के लिए, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम प्रोटेक्शन में जाते, यहाँ पे दिख रहा है कंप्यूटर नेम, या हम एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाते, यहाँ पे दिख रहा है आपको कंप्यूटर नेम, चेंज पे दिख रहा है ऑप्शन, इधर मैं डोमेन में डाल लूँ, मतलब मैं इसको डोमेन में ज्वाइन कर रहा हूँ hth.com। एक बार फिर जाके देखते इजीली समझ में आने के लिए, वापस देखते कैसे जाने का, मशीन को डोमेन में डालने का स्टेप क्या है। मैं यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, एडवांस सिस्टम सेटिंग या सिस्टम प्रोटेक्शन किधर भी जाके क्लिक करो। देखो एडवांस सिस्टम सेटिंग में कंप्यूटर नेम में यहाँ पे चेंज बटन है, ये वर्क ग्रुप में है फिलहाल, मतलब किधर भी पार्ट नहीं है, लोकल लॉगिन होता है। अब मैं डोमेन में जाता हूँ, इधर डालता हूँ hth.com, ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, क्यों, इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऐसा कोई डोमेन कंट्रोलर है, DNS सर्वर है, इसको पता नहीं है, राइट। तो इसको पहले बताना पड़ेगा कि PC01 तेरा DNS सर्वर जो है, hth.com में हमने DNS सर्वर बनाया, राइट, लेकिन ये जो क्लाइंट है ना वो जब hth.com मारता है तो उसको पब्लिक IP मिलता है, लेकिन हमने इंटरनल बनाया है, तो इसको बताना पड़ेगा ना, ये अपने DNS सर्वर में जाके चेक कर रहा है तो मिल नहीं रहा है, तो हमको इसको बताना पड़ेगा कि भाई तेरे को DNS सर्वर कौन सा चेक करना है, हमारा लोकल 10.0.0.4। लेकिन वो कैसे बताए, वो बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे है ना इसकी नेटवर्क में DNS ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करते देखते हैं, नेटवर्क प्रॉपर्टीज में ncpa.cpl, ये कमांड है ncpa.cpl, अगर कमांड से ऐड नहीं करना है तो आप है ना डायरेक्टली कंट्रोल पैनल में नेटवर्क ऑप्शन में भी जा सकते हैं, ये देखो ये खुलता है कंट्रोल पैनल नेटवर्क एंड इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन में भी जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज मैं क्या शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, IP प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और इधर IP देना है, क्या देना है 10.0.0.4,
और फिर मशीन को रिस्टार्ट करना है। हमने क्या दिया कि भाई तेरा डीएनएस सर्वर कौन है, ये है 10.0.0.4, तो इसको यूज कर। अब मैंने इसे इसको क्लोज किया। सो ये डीएनएस सेटिंग देने के बाद हमको है ना मशीन रिस्टार्ट करना पड़ा अजोर में है ना। आप अगर आप आईपी चेंज करो सिर्फ अजोर में तो आपको मशीन रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो रिस्टार्ट करने के बाद हम आके वापस चेक कर रहे तो हमको 10.0.0.4 हमको आईपी मिल गया, यानी अब जो है ये मशीन जो है हमारे जो डीएनएस सर्वर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए। तो एनएस लुकअप करके हम hth.com चेक करेंगे, nslookup hth.com। जैसे एंटर मारूंगा तो अब ये 10.0.0.4 से hth.com उठा लाया। पहले क्या कर रहा था, पब्लिक आईपी पे जा रहा था और पब्लिक आईपी से कुछ दूसरा आईपी उठा के लेके आ रहा था, राइट। तो अब हमारा प्राइवेट डीएनएस ऐड हो गया। अब हम ट्राई करेंगे मशीन को डोमेन में ऐड करने का। डोमेन में ऐड करने का सिंपल प्रोसीजर, सिस्टम में जाना है हमको, एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर जाना है और कंप्यूटर नेम के अंदर जाना है, चेंज के अंदर जाना है और यहाँ पे वर्क ग्रुप दिख रहा है, इधर डोमेन डालना है। हमारा डोमेन क्या है, hth.com। जैसे मैं ऐड करूँगा मुझे अब देखो रिजॉल्व करके यूजर नेम पासवर्ड पूछने लगा ना। अब यूजर नेम पासवर्ड किसका देने का, डोमेन में ज्वाइन कर रहे तो डोमेन का ही कोई यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। तो हमारे डोमेन का यूजर नेम पासवर्ड क्या है फिलहाल, अब हम देते हैं अजोर एडमिन, जो कि hth का रहेगा। hth का जो डोमेन एडमिन यूजर है, आप कोई भी यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं जिसको डोमेन में डालने का राइट है, ठीक है। डेलीगेशन जनरली डोमेन एडमिन को रहता है और बाकी नॉर्मल यूजर को भी 10 मशीन डोमेन में डालने का राइट रहता है। तो आप कोई भी एडी का यूजर दे सकते हैं। तो अभी हमारे को ये की यूजर पता है, एडमिन एट 1234567 8 9 जो मैंने पासवर्ड दे दिया है, अभी आपको बता भी दिया मैंने, बताना नहीं चाहिए, मेरी गलती होगी माफ करना, ठीक है। अब देखते क्या होता है, डोमेन में जाता है, यस वेलकम टू hth.com डोमेन। अब ये डोमेन में जाएगा और ये रिस्टार्ट होगा मशीन। तो वेट करते हैं, रिस्टार्ट होने देते हैं ये मशीन को और फिर आते हैं। अब ये रिस्टार्ट होके लॉगिन हो गया है तो अभी इसको चेक करना है कि ये डोमेन में लॉगिन हुआ है कि लोकल लॉगिन हुआ है। चेक करने के लिए हमारे पास ये है सेट प्लस एल, इससे क्या पता चलता है कि PC01 यानी लोकल मशीन पे लॉगिन किया है या हु एम आई, तो बता देगा कौन है। हमको समझ में आया कि मशीन डोमेन में गया है कि नहीं, सबसे पहले चेक करते हैं सिस्टम में जाके, चेक करते हैं कि डोमेन दिख रहा है कि नहीं। सी फुल डिवाइस नेम इज PC01 hth.com, यानी मशीन डोमेन में चला गया है, राइट। तो अभी डोमेन यूजर से लॉगिन करने के लिए हमारे पास कोई यूजर होना चाहिए ना लॉगिन करने के लिए। हमारे पास इधर एक यूजर है जो कि बिल्ट इन हमारा यूजर था, क्या नाम था उसका, यूजर्स के अंदर अजोर एडमिन, लेकिन हमको उससे लॉगिन नहीं करना है, हमको यूजर बना के लॉगिन करना है। तो हम एक यूजर बनाते हैं, न्यू यूजर, मैं रॉकी का बनाता हूँ, रॉकी हमारा जो रॉकी रैपर था ना, रॉकी रैपर, अब लास्ट नेम मुझे पता नहीं तो मैं रॉकी रैपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका लॉगिन नेम मैं डिसाइड करता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर, ये रॉकी आर के नाम से ये लॉगिन करेगा। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड जनरेट रखना चाहिए अभी, लेकिन हमको नहीं रखना है, हम एडमिन एट 123 पासवर्ड नॉर्मल रखते 123, हमको बस खाली चेक करना है कि लॉगिन हो रहा है गेम। अब PC01 पे गया, इधर से मेरे को लॉग ऑफ करना है और डायरेक्टली लॉगिन करना है रॉकी से। लेकिन याद रखना कि मैंने ये रिमोट लिया हुआ है, तो नॉर्मल यूजर को यानी नॉर्मल डोमेन यूजर को रिमोट मशीन पे लॉगिन करने का राइट्स नहीं रहता, वो सिर्फ अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे डायरेक्टली लॉगिन कर सकता है, राइट। आप अपनी मशीन पे जाके आप रिमोटली लॉगिन नहीं कर रहे, राइट, आप अपनी मशीन पे लॉगिन कर। अभी यहाँ पे मैंने MHTSC लेके लॉगिन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले है ना कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके compmgmt.msc में जाके रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स में ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे यूजर्स और ग्रुप में जाके रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स में, ओ पहले से ऐड है, मतलब मैंने पहले कभी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर नहीं ऐड होगा तो आपको hth/domain-user ऐड करना है, तभी जाके आपका यूजर लॉगिन होगा, अदरवाइज रिमोटली आप लॉगिन नहीं कर सकते। कोई भी यूजर को रिमोट मशीन पे लॉगिन करने का राइट नहीं रहता, राइट। ओके ये हो गया। सो ये मशीन डोमेन में तो चला गया, अभी इसको लॉग ऑफ करते
अभी इस पे लॉग इन करने का ट्राई करते। पीसी जीरो यस। अब ये जो है रॉकी रैपर से लॉग इन कर रहा है, लेकिन मैंने यूजर नेम पासवर्ड क्या दिया, मैंने प्रॉपर्टीज में जाके इधर लॉग इन क्रेडेंशियल्स में रॉकी आर का यूजर नेम पासवर्ड और उसका डोमेन सेट कर दिया है पहले से। तो आपको आपको वेट टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसीलिए डायरेक्टली अभी ये रॉकी रैपर से लॉग इन कर रहा है। अब ये डोमेन में प्रॉपर लॉग इन करता है, डोमेन यूजर है कि नहीं ये चेक कर लेंगे अपन। कैसे चेक करते हैं मैं आपको बता दूंगा, ये थोड़ा सा ग्रुप पॉलिसी ये इसके लिए टाइम लेगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। अब ज़्यादा टाइम लेगा तो मैं उतना हिस्सा कट कर दूंगा, वेट करना, टेंशन नहीं लेना आपको। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले डीसी बनाया, डीसी के साथ फिर बाद में डोमेन कंट्रोलर के बाद डीएनएस सेटिंग चेक करी, फिर ये जो अपनी मशीन थी इसको डोमेन में ऐड किया। डोमेन में ऐड करने से पहले प्री रिक्विजिट हमको था कि हमको डीएनएस आईपी, जो हमारे डोमेन कंट्रोलर का डीएनएस सर्वर का आईपी था, उसके क्लाइंट सेटिंग में जाके नेटवर्क सेटिंग में जाके प्रॉपर्टीज में आईपी दिया और एक बार रिस्टार्ट किया मशीन को। ठीक है, मशीन को रिस्टार्ट करने के बाद लॉगिन करके उसको डोमेन में डाला और फिर डीसी में जाके एक यूज़र बनाया और वो यूज़र से हम लोग अभी लॉगिन कर रहे हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब ये जो रॉकी रैपर है ना, जितने भी क्लाइंट मशीन मेरे डोमेन में रहेगा ना उसमें ये लॉगिन कर सकेगा। अब देखेंगे ना, एक और चीज़ देखेंगे, ये मशीन जब डोमेन में गया ना तो डोमेन कंट्रोलर में आपको है ना बिल्ट इन कंप्यूटर्स में पीसी 01 आ गया, यानी ये पीसी 01 ऑटोमेटिकली आ गया इधर, क्योंकि हमने डोमेन में ऐड किया तो ये डिफॉल्ट कंप्यूटर में ऐड हुआ। लेकिन डिफॉल्ट कंप्यूटर में ना ऐड होके इसको ऐड करना चाहिए हमको ये कंप्यूटर यहाँ पे, ये ओयू में, राइट। लेकिन उसको कैसे करें, बाय डिफॉल्ट आप कोई भी मशीन डोमेन में डालेंगे ना वो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर्स ओयू में ही जाएगा। आप चाहते कि आपका कंप्यूटर ये ओयू में आए तो आपको डोमेन में डालने से पहले, कोई भी मशीन डोमेन में डालने से पहले यहाँ पे सेम नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा एक नया मशीन होता तो मैं पहले नया कंप्यूटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता PC02, ठीक है, PC02 जैसे ऐड करता ना तो ये मुझे ऐसा मिलता है, यहाँ पे कोई DNS नेम कुछ नहीं। जैसे ही मैं डोमेन में ऐड करता ना इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम DNS नेम सब आता। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर देखेंगे ना PC01 को हमने डोमेन में ऐड किया है तो PC01 का देखो वर्क स्टेशन है कि सर्वर है वो सब आ गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया इसका Windows 10 Pro, इससे समझ में आ जाता है हमको ये क्लाइंट है, ठीक है। अब ये मेंबर ऑफ देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट डोमेन कंप्यूटर्स का मेंबर है ये, और अगर हम कोई यूज़र ऐड करते हैं रॉकी रैपर जो यूज़र ऐड किया वो मेंबर किसका है, डोमेन यूजर्स का है। इसीलिए हमने डोमेन यूजर्स ग्रुप अगर हमने PC01 के रिमोट डेस्कटॉप में ऐड किया तभी जाके ये रिमोटली लॉगिन कर पाया। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट। सो रॉकी रैपर अभी कोई भी मशीन जो भी डोमेन में रहेगा उसमें लॉगिन कर सकता है। अगर आपको फिर से नहीं समझ में आया कुछ तो वापस से ये वीडियो देखे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि ये सेट एल मार्केट, तो पता चला कि भाई ये मूम डीसी से लॉगिन है, यानी डोमेन कंट्रोलर से ऑथेंटिकेट हो रहा है, ये लोकल मशीन पे नहीं लॉगिन है, ये डोमेन कंट्रोलर से लॉगिन है। और एक कमांड है, और एक कमांड है जिससे चेक कर सकते हैं, वो है NLTEST SC_query। ये थोड़ा सा है ना हाईफाई कमांड है, इसको ज्यादा नहीं देखना, :STH.com। तो हमको पता चलता है कि मूम डीसी से हम कनेक्टेड है, इसका मतलब हमने डोमेन लॉगिन किया है। तो क्या हो गया, हमारा मशीन डोमेन में भी चला गया और हम डोमेन लॉगिन भी कर पाए। तो अब मैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने भी यूजर्स बनाऊंगा वो सारे यूजर ये PC01 पे लॉगिन यानी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन कर सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट मशीन ऐड है, अगर मेरे पास हजारों क्लाइंट मशीन भी ऐड हो ना तो रॉकी रैपर उस पर लॉगिन कर सकता है फिलहाल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, आई होप द सेशन वॉज इन्फॉर्मेटिव एंड यू एंजॉयड द सेशन। अब क्या है नेक्स्ट, हमारा जो टारगेट रहेगा, अब ये टारगेट तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा ना, हम एक और डोमेन कंट्रोलर ऐड करेंगे और एक क्लाइंट और ऐड करेंगे और फिर ग्रुप पॉलिसीज लगाएंगे और चेक करेंगे कि ग्रुप पॉलिसी लगती है कि नहीं, मतलब रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करेंगे, वॉलपेपर अप्लाई करेंगे, रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करके चेक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी फिलहाल यहाँ तक कि स्टॉप करते, ब्रेक लेते, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।